नमस्कार, भारतीय रेसिपी का आपका स्वागत है। आज हम बनाना चाह रहे हैं मसाला डोसा, यानी कि साउथ का ये फेमस है मसाला डोसा। उसका क्या क्या चाहिए, सामग्री चाहिए देखेंगे। और सामग्री के लिए ये आलू पल्ला है। आलू पल्ले के लिए आलू ले लिया है, ऑनियन, ग्रीन चिल्ली, हल्दी, करेली, उड़द का दाल, ये जिंजर, खिसा हुआ जिंजर है, ये खिसा के खिस के रख दिए हैं, और हरे धनिया और काजू, जीरा, राय और चने का दाल, ये साल्ट। हमको इतना पूरा आलू पल्ले बनाने के लिए इतना इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और इसके रेड चटनी, एक कॉम्बिनेशन रेड चटनी है डोसा के लिए, मसाला डोसे से स्पेशल रेड चटनी है, वो रेड चटनी हम बनाएंगे अभी। इसका क्या क्या चाहिए देखेंगे हम सामग्री। इसके लिए टमाटर और ये रेड चिल्ली गर्म पानी में भिगो के रख दिया है, और प्याज, धनिया और धनिया ले लिए, ये शुगर है और थोड़ा नमक ले लिया, ये रेड चटनी के लिए। और हमारा डोसे का बैटर यहाँ पे तैयार है, ये डोसे का बैटर तैयार है। हम इसके लिए ऑयल और घी, मक्खन, हमको इतना चाहिए डोसे के लिए। अब हम पहले ये आलू काट के कुकर में डालेंगे। ये धो के रख दिया है पहले से, हम आधा आधा करके कुकर में डालेंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल के हम इसे गैस में चढ़ा देंगे। दो सीटी आने के लिए हम गैस पर रख देंगे। अभी आलू उबाल के लिए रख दिया है, और दो सीटी बजने तक हम ये रेड चटनी वाला रेडी कर तैयार करेंगे। हम ये थोड़ा फ्राई करना है अभी, ये इसका तैयारी करेंगे हम रेड चटनी का। चटनी के लिए रखेंगे गैस ऑन करेंगे, इसमें थोड़ा फैन में तेल रखेंगे, थोड़ा छोटा चम्मच में दो और थोड़ा सा डालेंगे। इस चटनी के लिए हम थोड़ा लहसुन भी डालेंगे, स्मेल अच्छा आता है चटनी में, रेड चटनी वाला में ये लहसुन डालने से बहुत स्मेल अच्छा रहता है। ये पहले डालेंगे, इसमें थोड़ा धनिया भी डालेंगे, इसमें प्याज भी कम कम डालेंगे। लहसुन डाला है, धनिया डाल दिए, आलू भी लास्ट में अच्छे से फ्राई करेंगे, तब तक हम टमाटर काट के रखेंगे। दो दिन तीन दिन तक के लिए रख सकते हैं।
चटनी फ्रिज में रख के डोसा का ऊपर डाल के खा सकते हैं। थोड़ा सा कलर आने के लिए, थोड़ा लाल रंग आने के बाद हम टमाटर डालेंगे। लहसुन धनिया और प्याज डाल दिया है, ये थोड़ा कलर आ रहा है। अब हम ये टमाटर भी डाल देंगे। हरे धनिया भी डाल देंगे। ये टमाटर हल्का सा नरम होने तक हम भूनेंगे। इसमें नमक भी डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक। ये नमक डालने से टमाटर जल्दी सॉफ्टनेस हो जाता है। इसमें थोड़ा चीनी भी डालेंगे। इसमें ग्राइंडर में ये भिगा हुआ रेड चिली इसमें गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। ऐसे करने से अच्छा कलर आता है इसका। अभी हम इसे ग्राइंडर में डालेंगे। पानी में ही फेंकना है, फिर चटनी के लिए चाहे तो इसमें डाल सकते। इसमें चिली डाल दिया। टमाटर नरम हो गया है, अभी हम इसे गैस बंद कर देंगे और हमें थोड़ा ठंडा होने के बाद मिक्सर में डालेंगे। ठंडा हो गया है, अभी मिक्सर में डालेंगे। ये चिल्ली डाल दिया है,
इसमें ये पानी थोड़ा डाल के ये पूरा पेस्ट करना है, पूरा बारीक पेस्ट करना है। अभी हम ग्राइंड करेंगे। अच्छा सा पेस्ट हो गया है, इतना कलर आ गया है, ये देखने से रेड है, अच्छा लगता है डोसे को ऊपर डालने से। अभी हम ये एक बोल में निकाल देंगे। सिटी से पक गया है, हम इसे छिल्टा निकाल के हम इसका तैयार करेंगे। गैस चलाएंगे। हम आलू का पल्ला बनाएंगे, इसे मराठी में कहते हैं गड्ड्याचा पुट्टू। ये पुट्टी के लिए थोड़ा तेल डालेंगे पैन में। इसमें 5 चम्मच तेल डालते हैं इसमें। चटपटा शुरू हो गया। इसमें जीरा डालेंगे, इसमें उड़द का दाल डालेंगे थोड़ा थोड़ा, बड़ा चम्मच में 1 चम्मच, और दाल चने का दाल डालेंगे। इसमें काजू भी डालेंगे हम। तीन आलू के लिए 2 प्याज ले लिए मीडियम साइज का। हम ये ग्रीन चिली डालेंगे, पहले नहीं डाला था क्योंकि बहुत घाट आता है, इसीलिए अभी आलू के ऊपर डाल रही हूँ। इसका इतना चाहिए तो हम डाल। कैरेट पत्ती भी अभी ऊपर डाल रही हूँ।
इसमें आलू डालेंगे। तीन आलू के लिए दो नाप प्याज ले लिया है। ये तीन आलू के लिए दो प्याज ले लिया था। ये थोड़ा स्मैश करके इसमें डाल देंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक अंदर से मिला के अब थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। मसाला सा मिलने के लिए थोड़ा हम पानी डाला है, थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। आलू के लिए अच्छा सा नमक मिल सके। इसमें हरी धनिया भी इसमें आपको काट के डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। आलू का सब्जी तैयार हो गया। अभी गैस चलाएंगे और डोसा के लिए तवा रखेंगे। और ये गर्म होना है। तो गर्म हो गया है, कपड़े से सफेद कपड़े में पोंछ देंगे तवा। इसमें डोसा डालेंगे। थोड़ा सा गैस कम करके इसमें एक प्लेट करना है। गैस पूरा कम करना है। ये खोल के देखेंगे डोसा हो गया। अब इसमें थोड़ा तेल डालेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा रेड चटनी डालेंगे।
टमाटर का खट्टा भी होता है, इसमें थोड़ा शक्कर भी डाल दिया और रेड चिल्ली स्पाइसी भी आता है चटनी में। गैस कम करके करेंगे। पलट के देखेंगे कलर आ गया है, कितना अच्छा से कलर आ रहा है, ऊपर से सॉफ्ट रहता है ये ढक्कन ऊपर डालने से और बाहर से अच्छा क्रिस्पी आता है। छूट लेंगे। अब हम इसमें आलू पल्ला डालेंगे। कुछ ज्यादा चाहिए तो ज्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा भी डाल सकते हैं। थोड़ा और छोड़ देंगे गैस बंद करके। गैस थोड़ा ज्यादा रखेंगे, साइड में पूरा रखेंगे हम। से थोड़ा घी डालेंगे, चाहे तो डाल सकते हैं नहीं तो भी ठीक है। हम इसे पलटेंगे, इसका कलर आ गया अच्छे से। गैस कम रखेंगे और हम यहाँ से इसे रोल करेंगे। अब ये मसाला डोसा तैयार हो गया है। अब इस तरफ से भी मोड़ सकते हैं, ये मसाला डोसा तैयार हो गया है। और हम दूसरी तरफ से मोड़ के दिखाएंगे। इसमें थोड़ा ऊपर का मक्खन डालेंगे, मसाला डोसा तैयार हो गया है। और इस तरफ से मोड़ सकते हैं और अलग तरह से भी मोड़ सकते हैं। गैस थोड़ा एडजस्ट करते रहना है। गैस में भी रखना है और थोड़ा पूरा गैस में भी रखना है। अरे अच्छा कलर आ गया, क्रिस्पी हो गया। अब हम इस तरह से मोड़ेंगे, पहले ऐसा मोड़ेंगे, बाद में ये ऐसा मोड़ के एक तरफ से डोसा हो गया। हम इसका ऊपर
डोसा हो गया है आपका। और दूसरी तरफ से भी मोड़ सकते हैं। और एक मस्त डोसा बनाएंगे। गैस कम के रखेंगे हम ताकि क्रिस्पी आ जाए। थोड़ा लाल चटनी वाला इसको लगाएंगे। जितना चाहिए उतना लगा सकते हैं। साइड में डालेंगे ऐसा। थोड़ा घी डालेंगे। यहाँ से देखेंगे क्रिस्पी हो गया है। हम इस तरफ से मोड़ सकते हैं। हम तीन तरफ से मोड़ सकते हैं। आसानी से हो जाता है। प्लेट में लगाएंगे। इसमें भी थोड़ा मक्खन डालेंगे। तीन तरह से डोसा बना सकते हैं। इसे मसाला डोसा डोसा बन गया है। तीन तरफ से भी मोड़ सकते हैं हम। और ये तो जैसे चाहिए ऐसा बना सकते हैं। तो मेरा रेसिपी वॉच करने से मेरी तरफ से आपके लिए।